जी, आज हम लोग की रेसिपी जो है बहुत इजी है और रात के जो बचे चावल हम लोगों के होते हैं वो हम लोगों को बहुत टेंशन देता है और ये टेंशन आज से खत्म होने वाला है। दिन के जो चावल बचते हैं हम लोगों के तो वो टेंशन नहीं देता है क्योंकि शाम को हम लोग उसको फ्राई कर लेते हैं और सही है, कोई दिक्कत नहीं होती है। पर रात के अगर चावल बच जाए ना तब तो टेंशन दे देता है क्योंकि टेस्ट उसका काफ़ी अलग हो जाता है। फ्रिज में रख देते हैं हम लोग और बाहर निकालो तो फिर वो बेकार सा हो जाता है, आप परेशान हो जाते हैं, हम भी हो जाते हैं, सब परेशान हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये रात के बचे चावल हैं और इसमें पीसना है इसलिए हमने जार में रखा हुआ है। और ये है लहसुन और मिर्च, इसी में डालेंगे। हम लोगों को बनाना है पेस्ट। आप अलग से भी लहसुन और मिर्च का पेस्ट बना सकते हो लेकिन अब क्योंकि पीसना ही है तो सब साथ में पीस जाएगा। पानी डाल के हम लोग थोड़ा थोड़ा पीसेंगे, आपको दिखाते हैं पीसने के बाद। देखिए पीस लिया है हमने, इतना बारीक कर लेंगे, एक ही बार पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको पीस लेते हैं। और फिर और भी जो चीज़ें मिक्स करनी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मिर्च हमने पीसी है इसमें लेकिन हम लोग काली मिर्च भी डालेंगे ताकि थोड़ा सा तीखापन और आ जाए। चाट मसाला चटपटा होने के लिए, क्योंकि चावल है ना सादा सादा लगेगा, लहसुन मिर्चा तो हम लोगों ने पीस लिया है लेकिन चाट मसाला भी डालेंगे। नमक टेस्ट के अनुसार रहेगा, थोड़ी सी हल्दी कलर आने के लिए, वाइट वाइट है ना, और नींबू का रस, एक नींबू या दो नींबू वो आपकी अपनी मर्जी पे है, जितना खट्टा चाहिए उसके हिसाब से। बारीक कटा हुआ धनिया, इन सबको करेंगे मिक्स। अब ये बैटर जो है ना इसी तवा पे हम लोग देखिए बहुत जल्दी बन जाता है। अब टिक्की की शेप में बनाएं चाहे चिल्ला जैसे बनाते हैं हम लोग वैसे बनाइए, फटाफट जो है सब डालते जाएंगे हम लोग इसी पे। देखा आपने रात के चावल का हम लोग कितना जल्दी नाश्ता बना लिया, खाने में बहुत फ्लफी होता है ये, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा, फिर हम आपको दिखाते हैं बनने के बाद का। इसी साथ हमने 3 दिन डाल दिया है, देख ही रहे हैं बस एक तरफ सिक गया है, दूसरी तरफ भी हम लोग सेक लेंगे। देखिए दूसरी तरफ भी ये बहुत आराम से हो जाता है, बस ऑयल आप कम डालिएगा। अगर ऑयल ज़्यादा डालेंगे ना, क्योंकि इतना ज़्यादा फ्लफी होता है ना कि उसी ऑयल में ये मिक्स हो जाएगा टूट के पूरा, इसलिए ऑयल बिल्कुल कम यूज़ करिएगा, बिल्कुल नाम मात्र का। और ये देखिए ये बढ़िया से सिक जाएगा, बहुत सॉफ्ट बनता है ये। ये देखिए ये तैयार है हमारी चावल की रेसिपी, जो रात के बचे चावल है ना उससे बहुत टेस्टी लगता है, प्लफी लगता है। आप एक बार ट्राई करिएगा और कैसा लगेगा मुझे बताइएगा कमेंट में ज़रूर से। और बस अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।